अबे खोल दे यार भाई, चाबी होगी उसमें बनी हुई। अबे तो इनको नीचे बुला ले ना किसी को। यार सर दर्द हो रहा है। हाँ भैया बोलो। अबे तेरी क्या गाड़ी मार दी मुझे खोल दे। अबे नहीं है यार, चोर सब लोग तो जाने दिया। मैं दो भैया फर्स्ट फ्लोर पे, अपने घर पे जाना है भाई। क्या नाम से ऑर्डर है? ऑर्डर नहीं है, प्रांजल कुमार। प्रांजल कुमार के नाम से ऑर्डर है सर। सॉरी सर, वो यहाँ नहीं रहते। सर ब्रेड लाया हूँ सर, खा लो। ब्रेड लाया हूँ सर। हाँ पेमेंट हो रखी है? हाँ सर। तो वो रखा है ना? हाँ ये पीछे गैंगस्टर भाई, इसको हटा, इसको लेके नहीं आ सकता मैं। ठीक है भाई, इसमें लगा के बंदूक लेके आ जाएगा। खोल लो तो सही सर। और ये पीछे गैंगस्टर है भाई, इसको हटा, इसको लेके नहीं आ सकता मैं। चश्मा चश्मा लगा के बंदूक लेके आ जाएगा घर में मेरे। थोड़ा पीछे हो शक्ल देखने से पहचान नहीं पा रहे प्रांजल कुमार। अरे भाई हमें पता है, पीछे हो जा। और दूसरे को भी दिखाओ भाई, स्कैन कराओ कौन है। चश्मा उतर, भाई गैंगस्टर लग रहा है मेरे को। गोल्डी बरा रहे तो भाई जान में जाने वाला। ये आधार कार्ड की फोटो खिंचवा रहा है क्या? वो कड़ा ऐसे हो गया। ओए दोनों हाथ में हाथ बांध ही खड़े हो गए ऐसे। पहले आधार कार्ड जैसे खड़े होते। पासपोर्ट साइज फोटो निकाल लिया पहले। पासपोर्ट साइज फोटो पहले वो कर, पासपोर्ट साइज फोटो निकाल लिए। गोली के देख के आ जाओ बैठ के, लौट आ जाओ भाई। बकचोदी की हद पार कर रखी है इन लोगों ने भाई। तेरे को तेरे घर में ही रहने दे रहे भाई। एक दिन आ जाते हैं ना इधर, दोस्तों को सर पे चढ़ा रहा था यही होता है। तूने क्यों चढ़ाया भाई मैंने सर पे? ये तो भाई, ये तो सीरियस हो गया। इससे ऐसी बातें करने का फायदा नहीं है। अभी तो मैं दो बच्चों से मिलवाता हूँ। प्रांत दिवस हाई कोर्ट, तेरा भाई कब, तेरा तेरा दोस्त कमजोर निकला। ओए ये का है कमजोर दोस्त, बहन का लौड़ा। क्या हाल है सबके? यार आज मैं कल व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि कल मेरे को 101 फीवर चढ़ गया था एकदम से। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, तो उसके बाद अब मैं फुल फिट एंड फाइन हूँ। कल मैं पूरा दिन घर पे रहा हूँ, तो जिस मैंने फुल मेडिसिन वगैरह लिए जिससे मैं सब ठीक हो चुका हूँ। हालत मेरी बिल्कुल सही है, बस थोड़ा ओल्ड है और कफ है मेरे को, बलगम बना हुआ है, तो उसकी भी दवाइयाँ चल रही है। मेरी दवाइयाँ अपनी जेब में लेके चल रहा हूँ मैं। तो फाइनली आज मैं और प्रांजल जा रहे हैं करोल बाग। हम पहले अभी स्पीकर वगैरह चेंज कराएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। प्रांजल की चाची हैं, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है, तो हम उनको देखने जा रहे हैं। प्रांजल की फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है और मैं और प्रांजल और जा रहे हैं वहाँ पे। पहले हम लोग करोल बाग जा रहे हैं। करोल बाग जाने के बाद उसके बाद हम लोग वहाँ से द्वारका निकलेंगे। तो चलिए प्रांजल को बुलाता है और हम लोग चलते हैं करोल बाग। ये बहन चोप, कभी टाइम पे नहीं आता, कभी टाइम पे नहीं। कितना वेट कर रहा था ये आदमी, इसको मैंने आधा घंटा पहले बोल दिया था कि तैयार रहियो, मैं आ रहा हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं नीचे आने वाला हूँ, लेकिन ये बंदा फिर भी तैयार नहीं हुआ, अभी नीचे तक नहीं आया। पता नहीं क्या जी में इसके, साढ़े चार हो चुके हैं और अभी तक हम करोल बाग भी नहीं निकले हैं। और जबकि आप लोग को पता है करोल बाग में कितनी भीड़ रहती है, वहाँ पे भी हमारा टाइम लगेगा। ऊपर से ये आदमी है, फिर उसके बाद करोल बाग से द्वारका जाना है, द्वारका से फिर हम यहाँ आएंगे वापस। तो को आने का तो पता नहीं है कि आने कितने बजे तक आएंगे, बट पहले निकले तो आएंगे। ये बंदा आने का नाम नहीं लेता है, कभी बंदा कभी टाइम पर नहीं आया भाई, कभी भी। इसको मैं फ़ोन देख तो भाई, मैंने गाड़ी साफ करवाई थी कल, दिवेश के हाथ में गाड़ी क्या चली गई, उसने देखो गाड़ी साफ थी, इतनी सुथरी करवाई थी, अभी फिर गंदी कर दी इस आदमी ने। पता नहीं क्या जी है इसके, 24 घंटे गाड़ियाँ गंदी रखता ही है। मैं तो साफ करा के थक गया। रुको भाई ज़रा, मैंने इस बहन चुप को एक बारी, इसको एक बारी फ़ोन कर लूँ, फिर आप लोग को। भाई यार एक बात बताओ यार, इसको जब वॉशरूम जाना था तो ये पहले नहीं जा सकता था, इसको अभी जाने के टाइम पे ही जाना था। अरे देख रहे हो जब हमको टाइम दिखाया होगा ना, तब मैंने दो डंडे दिखाए होंगे पेट्रोल के। और ये देखो ये फिर रिजर्व पे चली गई। ये पता नहीं मेरे को मैनुअल ना, पता है
मैनुअल पेट्रोल कभी सही नहीं दिखाता, इससे बढ़िया अपना सॉरी डिजिटल कभी सही नहीं दिखाता, मैनुअल अपना सही दिखाता है। मैनुअल बढ़िया रहता है, मैनुअल में एक्यूरेसी रहती है कि आपने एग्जैक्टली कितना पेट्रोल बचा है। अरे यार अंकल अंकल जी भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इतनी मौज मस्ती करके आ जा मेरे भाई। इसके घर के नीचे डैडी डैडी चिल्लाना, नोनू नोनू चिल्लाना। अरे अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैं सुबह उठा था, जब मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था बस क्योंकि ओ माय गॉड लड़का तैयार होके बैठा है। भाई तू किसकी बारात में जा रहा भाई? जब ही निकलते हैं अच्छे से मैं भी बढ़िया बन गया हूँ, फिर मेरे को तूने साले पजामे में बुला लिया। तो पर्सनालिटी होती है ना, तो मेरी पर्सनालिटी ये रही ना, देख यही है आपकी पर्सनालिटी, दिस इज माय पर्सनालिटी। अच्छा अभी दिवेश को पूछ चलेगा कि नहीं? यार ये काम मत करवाया कर मेरे से, एक बार बस पूछ ले हाँ या ना, मैं जवाब दे देगा अभी तो ठीक है, वरना तू और मैं चलो। अब यार मेरे को एक बात बता, अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा था, धूप कहाँ से आ गई? तू बहुत पॉश एरिया में रहता है भाई, घर बंदे पॉश है। वो तो हमने सुबह तेरे घर में देख ही लिया है, देखा अभी तो मैं बहुत सारी चीजें देखी है। चल मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा भाई, चाहते हैं तुम साथ साथ रखोगे। ने वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, तूने इसको मारा है तो वो बजाना नहीं हुआ तो क्या है वो? वो मेरा हक है। ये ले भाई अब तू बात कर, तू कहां जा रहा है इसको ऐसे? तो भाई अभी हम जा रहे हैं करोल बाग इसकी वायरिंग चेंज कराने, ये मैं बता चुका तो उसके बाद जाएंगे हम कि द्वारका जा रहे हैं, चाची का ऑपरेशन हुआ है पत्रिका उनसे मिलने। नई बात बताएगा इसको, दिवेश और शिवम ने हमें धोखा दिया है। चल शिवम का मेरे को एक भाई को समझ आता है, दिवेश भी तो धोखेबाज आदमी है भाई, तुम्हें नहीं पता क्या वो है? तुम्हें एक्सपेक्टेशंस ही कैसे हैं उससे? तुझे दिवेश पहले फोन सीधा पकड़, ये टेढ़ा मत सॉरी हाथों में तेरे जान नहीं है और तू अपने आप को ज्यादा झुके ही बता रहा है। जान की बात सब खत्म हो गए। पता क्या हुआ अभी ना, मैं गाड़ी चालू करी, एक मोटा सा बंदा सामने से गया मेरे, मैं ना उसे जानता ना पहचानता ऐसे करके गया मेरे को। कहाँ था? इसी के लिए मेरे घर के नीचे पहले जाता था ना, आता रहता हूँ ना, साथ घूमता है ना मेरे, इसलिए होता है सब। यार आदत डाल ले मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़े पैसे बच गए तो आज हो जाएगा, कर लेंगे। क्या हो जाएगा? अगले महीने तू रुक तो सही, अगले महीने तू देख। मैं एक बार मौसम चेक करा यार, बादल चेक करा सामने यार, भाई मौसम ना प्यारा मौसम चाहिए भाई, गर्मी भाई यही होता है जन्माष्टमी में तेरा, फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अब नवंबर अक्टूबर में आ ही जाएगी ठंड बढ़िया करके नवंबर के एंड तक सर्दी आएगी, 11 की रोड पे जब तक ठंड लगने लग जाए समझ लो सर्दी आ गई है, और कुछ नहीं भाई। मेरे को आज भी याद है मैं जिम से निकलता था फुल पसीनों में और ना इसके धुआं निकलता था इसके शरीर में से धुआं निकलता और मैं तब गर्मी में मतलब तब मैं बहुत इंटेंस कार्डियो वगैरह करता था ना, और तब भाई मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मैं स्कूटी पे घूमता था, तब स्कूटी पे मैं भरे पसीने टी शर्ट चेंज करने के बाद भी घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस ये प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, स्कूटी चलाने लायक छोड़ेगा तो चलाऊंगा ना मैं भाई, स्कूटी चलाने सारी गलती अपनी से ही होती है यार, ये सब हम खुद ही करते हैं जो है। अपने चाबी दी थी उसको तो मैं उस दिन उस टाइम उस पर तरस नहीं खाता ना तो आज मेरी स्कूटी भी ठीक होती है भाई, तरस खाना भारी पड़ जाएगा हमें किसी दिन। क्या झूले जाले लग रहे भाई, यहाँ पे जाले लग नहीं रहे, उतर रहे हैं लग गए में, हम सीधा दशहरा के टाइम पे लगे, दशहरा में भी फन आ जाएगा यार वैसे तो भाई। चलो भाई तो फिर सीएनजी भरवाने के बाद कभी भी निकलते हैं तो सीएनजी पंप के दर्शन तो हमें करने पड़ते हैं, तो दर्शन करा के तुम्हें सीधा मिलता करोल बाग। ओके बाय यार, हम लोग करोल बाग आ तो गए हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज करोल बाग बंद है, बहुत शांति आज करोल बाग में, और ये भी शायद निराशा के साथ ही आ रहा है, करोल बाग बंद है आज, आ गया निराशा बंद है करोल बाग।
बस चूते वो पता ही नहीं। क्या मार्केट बंद है भाई, पूरी मार्केट बंद है। कौन सा दोस्त है भाई वो तेरा? ओगला भाई उससे पूछो। तो भाई पूरा करोल बाग बंद है, भाई का कट चुका है। मेरा कटता ही रहता है। ठीक है ना, पूरा करोल बाग बंद है। और अब हम यहाँ से कुछ हुआ तो नहीं, अब हम जा रहे हैं द्वारका चाची से मिलने। और ये रहे हमारे बजरंगबली। जय श्री राम। उधर ले रहा तो है भाई, चल 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 सीधा है भाई, इसमें जाना भाई, इस वाले में। तो भाई कट गया यार दोबारा से एक बार फिर। काटना कटना सीख कर पा रहा, सीखे काटना। बंदे नहीं काट रहे हमारा, हमारी किस्मत काट रही है। किस्मत को काटूंगा मैं, किस्मत को काट के आगे जाएंगे, टेंशन मत ले भाई तू, है ना। तो भाई निकलते हैं हम यहाँ से। देखो भूख लग रही है बहुत जोर से, कुछ खाया नहीं है, रात को भी सीन था तो वहीं पे कुछ नहीं खाया, भूख लग रही थी दबा के। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बेकार, मतलब मैं अब पता नहीं कब ठीक होगी ना। तू आएगा भाई? मैं कह रहा हूँ देखो अभी डैडी आएंगे। अबे तेरे डैडी आते हैं तू नहीं आता, तू नहीं आता तो तेरे डैडी ला नहीं पाते। या तो तू भाई मेरे को बोल दे कि अगली बारी डैडी जाएंगे लेके आएंगे। तो ऐसा कर दे, तू तो डैडी के साथ चले जियो। अबे मैं कैसे ऑफिस जाता हूँ प्रांजल, वरना मैं खुद जाके ना ले आऊँ। अरे तो मैं मंगवा दूंगा यार, इतना क्यों भड़क पालता? तू करता ही तो नहीं है ये काम। तेरे को मैंने जब पिछली बारी अंकल गए थे तेरे को भी मैंने तब यही बोला था कि तू चला जा। अरे किसी काम से गए थे, इधर गफार नहीं आए थे भाई, फैक्ट्री गए थे। अबे तो तेरी फैक्ट्री से गफार कितना दूर है? दूर है भाई, आना जाना। अच्छा मैं आज तक करोल बाग नहीं आया होती है समझा कर। अरे तो करवा दूंगा यार मैं, करवा दूंगा। भड़क के इधर जिंदगी में आज भाई आधी भड़क क्या है, आधी भड़क पाल दी है मैंने ऐसा सिस्टम लगवा के। देखो भाई जितना चाय में जितनी चीनी डालोगे भाई, उतनी चाय मीठी डाली थी, अच्छी खासी चीनी डाली थी। चीनी में कुछ नहीं होता। अब मैंने बिल्कुल ही भाई फटने वाला सिस्टम थोड़ी मांगा था, नॉर्मल सिस्टम ही तो मांगा था। चल रहा है भाई, नॉर्मल चल रहा है, जिसमें बार बार आगे के स्पीकर बंद हो जा रहे हैं। नॉर्मल है, हो जाती दिक्कत यार, इलेक्ट्रिक का इशू है। मैं क्या करूं उसमें, रहने दे यार, जाए बख्शो आदमी, और कुछ नहीं करता है। नहीं है ना, बस दूसरे को ताने दे रहा था और कुछ नहीं। खुद से तो कुछ होता नहीं, जो करवा रहा है उसकी भी इज्जत नहीं। कदर करनी सीखो, कदर। जब अच्छा करवाएगा तब तारीफ भी करूंगा। तारीफ बेटा, सारे काम तारीफ वाले हैं मेरे। तो पहले कर मेरा अच्छा काम। तेरा काम इसका काम करवा के स्टार्टिंग में लगवाया था तब मैंने तेरी तारीफ भी करी थी, लेकिन जब ये खराब हो सुनाई क्यों नहीं देती है मेरे को तेरे को? भाई मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता ना, पीठ पीछे तारीफ करने वाला है तो बुरा ही मुंह पे कर सकता है, तो तारीफ भी मुंह पे कर। नहीं नहीं, तू सर पे चढ़ जाता, सर पे चढ़ जाता है। उतार नहीं बताइए कुछ तो ठीक है भाई, करवा दूंगा सारा। तो भाई आज क्या तारीख है? मुझे तारीख तो नहीं करवा दूंगा ना, तेरे को करवा दूंगा। अरे तू मेरे को तारीख बता दे, हफ्ते में करा दूंगा। चलो भाई, तुम लोग के सामने कह रहा है इस हफ्ते करा देगा, मैं फिर तुम्हें देख लूंगा कि कितना इस हफ्ते करा देगा। देख लेना गाइस, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। अंकल भाई देख के गाड़ी को रेस्ट चला दूंगा, मेरे से प्यारी गाड़ी को चलाता। भूख लग रही है मेरे को यार, कुछ खिला दे दोबारा का चल के खाइयो। कितने दूर दिखा रहा है इसे? 40 मिनट। चलो यार मिलते हैं द्वारका, जाके मिलते हैं आपसे। चलाओ फिर, और क्या कर सकते हैं, चलाओ। वाईफाई हम पहुंच गए करोल बाग से जूते कटवा के, लेकिन एक चूती और है जिसको वेंचर अपनी चाची का फ्लोर नहीं पता कि कौन सा फ्लोर पर रहा है। भाई भाई के साथ तो नहीं पता, भाई फिर भी पता होना चाहिए कि चाची कौन सा फ्लोर पर रह रही है। बंदे को फ्लोर ही नहीं पता, घर पता है ना, यहाँ से आके फोन कर लेंगे। क्या बोला लगा भाई, बातचीत है चला। मेरे तो हो गया तबियत डाउन, शरीर अलग बन जाएगा, पेट कम नहीं होगा। लेकिन यही है, लेकिन 3082 सिक्स
रूम का व्यू चेक करो, बहुत अच्छा व्यू है, मतलब सोसाइटी बहुत प्यारी है। फैमिली के पास आए हुए, इसकी पूरी फैमिली भर बैठी है और ये बंदा तो को कौन भाई आज की बर्बाद है ना, कुछ नहीं हो सकता इसका। देखो कैसे खड़ा है, छमिया की तरह खड़ा हुआ। वो हम सब फ्री है, हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। प्रांजल मतलब आंटी वगैरह आज फिर यहीं रुक रही है, प्रांजल दीदी को ले जा रहा है, मैं अकेला पीछे पीछे अपनी गाड़ी मार रहा हूँ, प्रांजल अपनी गाड़ी पर आ रहा है, तो हम घर को जा रहे हैं। मौसम चेक करो, मौसम हो रहा बहुत जहर गाइस, सिस्टम चेक करो, हो रहा प्रांजल और यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं यूनिटी वन, द्वारका वाला है यूनिटी वन है या पता नहीं कौन सा मॉल है, शायद मेरे हिसाब से यूनिटी वन ही है। यूनिटी वन पहुँच चुके हैं, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे, तो घर चल के मिलते। तो भाई अब मैं घर आ गया, प्रांजल अपने घर चला गया। मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, मुझे बुखार सा लग रहा है, तो मैं दवाई खा के सोने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखना, आजकल बहुत वायरल चल रहा है, तो उससे बच के रहना। मिलते हैं फिर, चलो अगले ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।